ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद मैं आज आपके सामने एक नया सेक्शन, नई बात सीएमए यूएसए पार्ट टू के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं बड़ा ज्यादा खुश हूं क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू यूनिट सेक्शन ई, और मेरा फेवरेट सेक्शन है बेटा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। ये सेक्शन ये समझ लीजिए, आई ईट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आई ड्रिंक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड आई स्लीप विद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेटे मैं बात करता हूँ ना तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात निकलती है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आपको इस पूरे सेक्शन में इतना मजा आने वाला है कि मैं क्या बताऊँ। आप इस सेक्शन के लिए अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, मैंने एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया है ओनली फॉर दिस सेक्शन। बेटे जो कंसेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा या इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, लाइफ लॉन्ग यूज होने वाले हैं। इसके बाद आपका मन करता है सीएफए यूएसए करने का, सीपीए का, ACCA का, बेटे कहीं पे भी आपको जो मैं कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सीएमए यूएसए पार्ट टू के लिए द कंसेप्ट विच आई विल बी गोइंग टू टेल यू दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, सो यू हैव टू मेंटेन दिस रजिस्टर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया बेटे, सेक्शन ई, सेक्शन ई की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। आपको पता ही है सेक्शन ई इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और सीएमए यूएसए पार्ट टू में बेटे इसका 10% वेटेज दिया हुआ है। मुझे लगता है कम है, ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम अगर बदलना चाहे सीएमए आईएमए वाले यूएसए, तो बेटे उस तो उनके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन होगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम रख दिया जाए। इतना इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। आप अपनी लाइफ में कितनी बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले चुके हैं और आपने ये जो सीएमए का कोर्स ज्वाइन किया ना सीएमए यूएसए, बेटे ये आपकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आपके आने वाली जनरेशंस इसका फायदा उठाने वाली है। आप तो उठाओगे, अपने नाम के आगे रामलाल के आगे लिखा जाएगा सीएमए यूएसए रामलाल, सीएमए यूएसए राम प्यारी, बट आने वाली आपकी जो जनरेशन होंगी वो भी बेनिफिट उठाएंगी। इट मींस इट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट बेटे दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैंने जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था ना जिस दिन, बेटे मैंने आपको बड़ा कुछ बताया था, आज वही स्लाइड थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे। आप रजिस्टर खोल लीजिए ना, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए ना बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। सीएमए यूएसए पार्ट टू 10%, जैसा आपको मालूम ही है 100 MCQs एंड 2 essay टाइप क्वेश्चंस। और बेटे कुछ भी हो सकता है, कहने को तो कुछ भी हो सकता है, essay टाइप में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है, चाहे जिसमें भी आए यार, घबराना किस बात का है। हम हॉक भी करेंगे, हम ग्लैम भी करेंगे, हम वायले भी करेंगे। जो आपके पास टेक्स्ट है आप रहने दीजिए ना, बदलिए मत, मैं तीनों से कराने वाला हूँ बेटे। आप क्यों टेंशन लेते हैं, भूपेश आनंद मैं सीएस, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आज आपके सामने सारी बातें रख दूंगा और आपको लगेगा कि हाँ ये होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटे ओपन चैलेंज है, आप किसी और का सीएमए यूएसए का वीडियो देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लॉजिक्स के कंसेप्ट और मेरे देख लीजिए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। आइए इन्हीं बातों के साथ, उम्मीद है कि आपने रजिस्टर ओपन कर लिया होगा। मैंने एक बात लिखी है बड़ी प्यारी सी, आज एक कोटेशन लिखी है, दोज हु विश टू सिंग अ सॉन्ग ऑलवेज फाइंड अ सॉन्ग। जो गाना गाना चाहते हैं, जो कोई काम करना चाहते हैं बेटे, इट इज अ इंटेंशन, इट इज अ विल दैट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। उनको गाना मिल भी जाता है, जो सीएमए यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। मुझे मालूम है कि आप वर्किंग भी हैं, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे मैरिड भी हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आपकी एज होती जा रही है, मुझे ये भी मालूम है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, मुझे ये भी मालूम है कि यू हैव सो मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल वॉट बेटे आप अपने लिए कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ का अभी से 3-4 घंटे निकालना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, मैं आपको सीएमए यूएसए बना के छोड़ दूंगा दोस्तों, इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। बस मैं आपसे जो कहता हूँ वो करते जाए। आप रजिस्टर में नोट करें, आपको जो मैं होमवर्क दूँ हॉक का या जो भी ग्लैम का या जो भी वायले का या जो भी अपने जूस नोट्स का, आपको करें, कंसेप्ट को समझें, लॉजिकली देखें, रेटाफिकेशन ना करें। जहाँ से मैं प्रैक्टिस कहूँ सीएमए के पास्ट ईयर पेपर्स बेटे वो तो फ्रीली अवेलेबल है, आप आईएमए के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको करें।
करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। बेटे मैं कहता हूँ बड़े बड़े नामों से ज़्यादा बेटर लेक्चर लगेंगे अगर आपने ईमानदारी से कर लिए। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने गाना गाने जा रहा हूँ, लेक्चर वन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और मैं बहुत पुरानी बात आपसे पहले करूँगा, बेटे मैंने आज से कुछ दिनों पहले स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो लेक्चर लिया था और उसमें आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर 5-6 सेक्शंस। सेक्शन ए ये है, सेक्शन बी ये है, सेक्शन सी ये है, सेक्शन डी ये है, सेक्शन ई ये है, सेक्शन एफ ये है। बट मैंने स्टार्ट किया था पहले सेक्शन बी से, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, कॉरपोरेट फाइनेंस से। और कॉरपोरेट फाइनेंस में भी मैंने स्टार्ट किया था वर्किंग कैपिटल यूनिट 4 से। बेटे जिस तरह से मैं करा रहा हूँ ना, आपको उसी तरह से लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तब तो ज़्यादा समझ आएगा, आप लिंकेज बना पाएंगे, रिलेशनशिप बना पाएंगे, नेटवर्किंग कर पाएंगे। बेटे जमाने नेटवर्किंग के, आप कनेक्ट कर पाएंगे डॉट्स को, माइंड में सोच पाएंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, पहले ऐसा क्यों है, मैं ऐसा ही क्यों हूँ। मेरी बात आप समझ रहे? तो ये लिखना नहीं है, ये मैंने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब इंट्रो क्लास लिया था तो बताया था। तो मैं अभी सेक्शन बी का यूनिट 4 करा चुका हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हमने यूनिट 4 कर लिया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें 5 टॉपिक्स थे, 5 सब हेड्स थे, वो सब कर लिए। उसके हॉक से भी क्वेश्चन किए, वायले से किए, ग्लैम से किए, जूस नोट्स किए, कंसेप्ट्स देखे, और लगभग बेटे उसके मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 25-30 लेक्चर्स आपको बनाए, दिए, रिविजनरी भी दिए, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए, CBQs भी दिए, EPQs भी दिए, हॉक भी दिया, वायले भी दिया, ग्लैम भी दिया, CMA पास्ट ईयर पेपर्स भी दिए, कंसेप्ट्स भी दिए, जूस नोट्स भी दिए। बेटे है कोई इतना कुछ देगा? मैं कहता हूँ उतने से भी कर लेंगे तो हो जाएगा। अब यूनिट 4 के बाद मैं सीधा आपके सामने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ऐसा क्यों अभी बताऊँगा, वैसे पहले बता चुका हूँ फिर बताऊँगा, क्या हो गया दोबारा बताऊँ आप। मेरे तो 6 सेक्शंस हैं, 17 यूनिट्स हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। 72% मार्क्स आपको लेने हैं, 360 नंबर चाहिए, ये सब बातें आपको पता हैं। मैं भूपेश आनंद आपको जब स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट इंट्रो लेक्चर ले रहा था तो मैंने एक चित्र बनाया था, आई हैव प्रिपेयर्ड वन फ्लो चार्ट एंड आई हैव टोल्ड यू द होल वर्किंग ऑफ दैट स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी। मैंने भगवान कृष्ण की बातें की थी, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इन दैट और 3 or 4 क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इन दैट एंड व्हाट आर द डिसीजंस, यू नो, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन दैट, आई हैव डिस्कस्ड दैट। सिमिलरली देन आई हैव प्रिपेयर्ड द होल चार्ट एंड आई हैव डिस्कस्ड, बेटे मैंने सारी बातें डिस्कस की थी, मुझे याद है। और मैंने आपसे ये कहा था कि पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। ये मैं पूरा 1 घंटा में इसको इंट्रो ले चुका हूं, मैं इसलिए पूरे डिटेल में नहीं बता रहा बे, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कराना है एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट व्हाई यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट डिसीजन आफ्टर यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा पैसा पैसा, रोकड़ा कितना चाहिए, क्यों चाहिए। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इंफोसिस, नारायण मूर्ति, मित्तल, भारती, व्हाई दे रिक्वायर फंड्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इन सब की बातें करेंगे बेटे आज हम। सो फर्स्ट इज यू रिक्वायर फंड्स and I know that I require funds, because of that मेरे को एक first decision लेना पड़ा, उसका नाम था बेटे investment decisions। investment decision में फिर मैंने बताया that there are 2 types of investments बेटे। अब पहले जो बता चुका हूँ ये यहाँ तक मैंने बताया था, अब मैं जब अपनी कहानी शुरू करूँगा ना तो मैं बताऊँगा ये मेरी कहानी, अब ध्यान से सुनो, भाग मिल्खा भाग। Investment decisions, I have told you that because I want to do a business, I want to run a business, whether it is a profitable, whether it is a non-profitable, whether it is any form of organization, whether it is proprietorship, whether it is partnership, whether it is society, whether it is a company, whether it is an LLP, I'm not concerned with that. If I am doing any business, you know, if I am running any entity, I will invest something, because then only I can do my activities. I have to do some activities, I have to do some transactions, to mujhe investment karna padega. इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं बेटे। आप अपनी लाइफ में CMA USA का जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, X डॉलर्स आपने पे किए, जो भी उनको देना था IMA वालों को दिया, फिर आपने भूपेश आनंद के लेक्चर्स लिए, X डॉलर्स, Y डॉलर्स इसमें भी पे किए, फिर कैलकुलेटर परचेज किया,
एक्स डॉलर्स, वाई डॉलर्स, जेड डॉलर्स कैलकुलेटर खरीदने में लगाया, फिर रजिस्टर लिए, फिर पढ़ाई शुरू करी, और रेगुलरली आपको ऑफिस भी जाना है, आप अपनी बाइक में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, आप रेगुलरली कुछ खर्चे कर रहे हैं, रेगुलर रिकरिंग इन नेचर, जो बार 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 रेगुलर इन नेचर के होते जा रहे हैं। बेटे आज मैं आपको आप ही के रोजमर्रा के एग्जांपल, विद हेल्प ऑफ दैट आई वांट टू टेल यू, यू नो व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इवन इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, यू नो आप पहली बार भी कर रहे हैं, तो आपको लॉजिकली हर बात समझ आएगी। और हाँ, आपको पहले से पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं रियल एग्जांपल्स दूंगा, आप जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बेटे मैं इतनी चीज दूंगा ना तो आप इतनी कर लोगे, मैं इतनी दूंगा तो इतनी करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप बेशरम हो, इतने से इतनी तो करोगे, तो इसलिए आई विल बी गिविंग यू होल कॉन्सेप्ट्स। तो आई हैव टोल्ड यू दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म इट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू हैव इन्वेस्टमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फॉर माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। And when I say operating activities, I mean working capital, and the technical name of that is working capital, जो आज हमने already unit 4, sub-unit 4, unit 4 के 5 sub-units भी complete कर दिए थे corporate finance के। अभी कुछ topics रहते हैं corporate finance के, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करते रहें। मैंने कहा आपको पैसे दो purpose के लिए चाहिए, एक long term के लिए, एक short term के लिए, यहाँ पर discuss किया था, यहाँ पर था capital budgeting। बेटे मैं नाम ही बदल देता हूँ, आप नाराज मत होना बेटे, बस नाराज मत होना, मैं भूपेश आनंद इसका नाम कर देता हूँ, पता क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं नाम बदल रहा हूँ। सर आप नाम बदल रहे हो? हाँ बेटे, अभी देखेंगे बड़े सारे नाम है, जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही कर देते हैं। इट मीन्स आई रिक्वायर फंड्स फॉर, या चलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लिखा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी है, तो इसका मतलब हम पहले क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई करेंगे, फिर सेक्शन बी में जाएंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में, उसमें एक यूनिट है यूनिट 6 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसको डिस्कस करेंगे। बेटे हर चीज लिंक से करनी है, इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स दिए बट उन्होंने लिंकेज से सेक्शंस नहीं बनाए, तो मैं माय ऑब्जेक्टिव विल बी दैट आई शुड टीच यू अलोंग विद दैट लिंकेज, देन यू विल बी मोर यू नो गेटिंग द थिंग्स। आइए लेट्स मूव फर्दर, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ये हमने कर लिया है, अब मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं भूपेश आनंद चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अपने सामने टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ना। बड़े आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टाई लगा के खड़ा हूँ, सब कुछ आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप लेट के पढ़ रहे हैं तो बेटे विद्या का धन आएगा ही नहीं, लिखेंगे कैसे आप? तो मैंने एक पोस्टर की डायग्राम बनाया और मैंने कहा भाई आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। आइए जी हम आगे आ गए सेक्शन ई की तरफ। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी ही होश में कैपिटल डिसीजंस सेक्शन ई के 4-5 नाम लिख रहा हूँ। बेटे पहला नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अभी देखेंगे 11th क्लास से हम कहानी स्टार्ट करेंगे, मैं भी 11th क्लास से अपनी कहानी स्टार्ट करूंगा, जब मुझे पता चला कि एक्सपेंस खर्चे, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक रोजमर्रा के खर्चे, एक रिकरिंग नेचर जो लगातार होते रहते हैं और जो कभी कभी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे खर्चों की बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। फिर मैंने लिखा इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है बेटे, क्या क्या, लॉन्ग टर्म, अभी नाम बदला था ना मैंने, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो 1-12 महीने के पीरियड में ही होता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं, अभी देखेंगे। और दूसरा नाम बेटे हमारे इंस्टीट्यूट ने सेक्शन ई CMA USA पार्ट 2 ग्लेम ने, हॉक ने, वायले ने इसका नाम रखी दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई, और कई जगह इसका नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी रखा गया है। नाम चार हैं, घबराने की बात है नहीं। मैं अब अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूँ। मैं आज रतन टाटा, मैं आज मुकेश अंबानी के वीडियोस भी दिखाने वाला हूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बढ़िया कर दूंगा अगर आप आने वाले 10-12 मिनट बड़े इंपॉर्टेंटली मेरी बात को सुनते रहेंगे। बेटा 10 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया। मेरी कहानी, मेरी कहानी,
भूत प्रेत जब सो रहे होंगे तो फिर तुम क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, भाग मिल्खा भाग। बड़े कितने ध्यान से वो भागता था। तो आज आपको ध्यान से मेरे सामने बैठना है और मेरी बातों को सुनना है, क्योंकि ये जो आने वाले दो लेक्चर्स है ना बेटे, एक तो ये वाला और ये नेक्स्ट जो लेक्चर है, अगर कर लिया ना इंपॉर्टेंटली, समझ लिया ना ईमानदारी से, तो समझ लीजिए आपके फिर ये जर्नी, सेक्शन ई की जर्नी आसान हो जाएगी। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी वाली नहीं। मैं चलिए अपनी कहानी सुनाता हूं। और मैं अब आपने ना थोड़े पहले दो लेक्चर में ना तो ग्लैम देखना है, ना वाले देखना है, ना हॉक देखना है, क्योंकि मैंने सब देख लिया। और मैं पहले आपको ऐसी बातें बताऊंगा, उसके बाद अचानक हम देखेंगे कि हमने ग्लैम भी, हमने वाले भी, हमने वॉक भी सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और मेरी कहानी को सुने। मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम ब्रांच, दिल्ली में। बड़ा प्यारा स्कूल है, पहले 5 में नंबर आता था उस जमाने में, अभी भी आता होगा। बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम ब्रांच से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 11th क्लास में कॉमर्स लिया, 10th में नंबर मेरे कम ही आए थे। मैं हार्ड वर्किंग था, लेकिन मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूँ, ना होना चाहता हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। बेटे ये CA, CMA, CMA USA, ACCA, CFA, इतना सब कुछ किया मैंने, मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूँ, ना मुझे बनना है। मैं हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्किंग हूँ, हार्ड वर्किंग ही रहूँगा। कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको बस हार्ड वर्क करना है, लगातार करते रहना है, तो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है बेटे। हमने बार बार एग्जामिनेशन फीस डॉलर्स में अमेरिकन को तो देनी नहीं है, ठीक है सर। आइए, मैं आपसे अब ये कह रहा हूँ कि जब मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, 11th क्लास में अकाउंट्स थी, और मेरे सामने मैडम आई, बड़ी ब्यूटीफुल मैम थी, अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाती थी। हमें तो पहली स्टार्टिंग में अकाउंट्स में तो हमें पता ही कुछ नहीं था। एक क्लास में मैडम ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं हैरान ही रह गया। ऑल स्टूडेंट्स दे वर वॉन्डरिंग दैट क्या मैडम क्या बता रही है। बेटे उन्होंने एक क्लास में एक्सपेंस की बातें की, खर्चों की बातें की, दैट इफ अ बिजनेस एंटिटी इज देयर, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज देयर, इफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, इफ अ बिजनेस हैज टू बी सेट अप, देन देयर हैज टू बी यू नो एक्सपेंस, यू हैव टू डू सम ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेंगी। पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, सामान आएगा, सामान जाएगा, फर्नीचर खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, रेंट में लेंगे, काउंटर लेंगे, रेफ्रिजरेटर। सपोज करते हैं कि बनिए की दुकान है, अज्यूमिंगली जो मैडम ने एग्जांपल दिया। बेटे द पॉइंट इज, शॉप को परचेज किया, शॉप में फर्नीचर लगाया बनिए ने, शॉप में रेफ्रिजरेटर आया कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए, शॉप में कबर्ड्स बने, फिर उसी बनिए की दुकान में क्या आया, सामान आया, पल्सिस आई, सॉल्ट्स आए, चीजें आई खाने पीने की। मैं अब आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैडम ने जो मुझे एग्जांपल दिया, उन्होंने ये कहा कि एक्सपेंस ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, एक्सपेंस होंगे, और खर्चे दो तरह के होंगे। खर्चे, मुझे आज भी याद है वो हिंदी का वर्ड मैडम ने यूज किया था, खर्चे। खर्चे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन टाइप ऑफ खर्चे कैन बी रिकरिंग इन नेचर, जो लगातार होंगे, रोज होंगे। तो मैडम ने एग्जांपल दिया था मेरे को कि आप रेगुलर घर से स्कूल आते हो, कुछ पैसे कैंटीन के लिए लेकर आते हो, कैंटीन में जाके खर्च करते हो, कुछ पैसे आप जब स्कूल कंप्लीट हो जाता तो आप बाहर जाकर जो बेचने वाले होते हैं उनसे सामान खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, रबर खरीदते हो। All those expenses आप regular कर रहे हो, recurring कर रहे हो, बार बार हो रहे हैं। So those are named as, मैडम ने नाम दिया था revenue expenses, recurring in nature, and there are some expenses you know which are non recurring, which are not of regular in nature, which you incur at a very, you know, longer period of time. Similarly, if you think from the Maruti Suzuki point of view, example लेते हैं, Maruti Suzuki की एक factory है। ध्यान से बेटे, बिल्कुल कमर सीधी करके, एक बच्चा तो बिल्कुल ढीला होकर पढ़ रहा है। नहीं बेटा,
मैंने मारुति सुजुकी की बात की, वो खड़ा हो गया, मारुति सुजुकी? हाँ बेटे, मारुति सुजुकी की एक फैक्ट्री है जिसमें गाड़ियां बन रही हैं, कार्स बन रही हैं। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताना, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हो सी एम ए यूएसए ऑफ मारुति सुजुकी। एक बच्चा हंसने लगा, सर हम सी एम ए यू है, हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आफ्टर डूइंग सी एम ए यूएसए ऑफ मारुति सुजुकी। बेटे कैसी बातें करो, फिर पढ़ क्यों रहे हो, आप इतना महंगा कोर्स क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े सपने होंगे तभी बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। सो सपोजिंगली क्या, यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ मारुति सुजुकी एंड मारुति सुजुकी का एक फैक्ट्री प्लांट है। उस फैक्ट्री प्लांट में बड़ी सारी गाड़ियां बन रही हैं। उस फैक्ट्री प्लांट में फैक्ट्री का हम रेंट पे कर रहे हैं, मारुति सुजुकी पे कर रही है। उस फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है। उस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वेजेस दे रहे हैं। उस फैक्ट्री में मटेरियल आ रहा है, मटेरियल परचेज कर रहे हैं। बट उसी फैक्ट्री में जर्मनी से मारुति सुजुकी ने जापान से प्लांट एंड मशीनरी परचेज की फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज मोटर कार्स। आप बताइए दैट प्लांट एंड मशीनरी विच दे हैव परचेज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर प्लांट्स। Now, I have given you so many examples. You know, what are the types of expenses which Maruti Suzuki is doing? It means there are some expenses which they have to incur at any moment of time, regular in nature, operating in nature, recurring in nature, bar-bar dekho, hazar bar dekho, dekhne ki cheez hai, regular aapko hoga. But bete, kuch expenses aise honge which are non-recurring in nature, jiska benefit aapko lambe samay tak milega. For example, plant and machinery purchased by Maruti Suzuki for the factory plant, that is a long-term investment decision. That is a capital budgeting decision. That is a capital investment decision. And the amount of factory rent which they are paying, the wages which they are paying, the amount of raw material which they are buying, all that is revenue expense. Meri baat ko aap samajh rahe? To revenue ko hum generally working capital technically bol dete hain. और लॉन्ग टर्म को हम जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर को जनरली कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, जैसा हमारे को सीएमए यूएसए पार्ट टू में उन्होंने यूज किया, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो बेटा रजिस्टर ओपन कर लीजिए, सारा ना लिखे, एटलीस्ट एक हिंट तो लिखते जाए ना, सो दैट कि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में पूरी पिक्चर्स, मेरे पूरे ड्रामा, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट की बात मैंने की, अकाउंट्स की क्लास की बात की, उसके बाद बेटे मैंने खर्चों की बात की कि मेरी मैडम ने मुझे क्या बताया। मेरी ब्यूटीफुल मैडम, आज भी मैं याद करता हूँ उस मैडम को। मैडम ने कहा खर्चे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज मैंने एक तरफ लिखे और एक तरफ कुछ और लिखे, कैलकुलेटर बाय किया, बुक्स बाय की एज अ स्टूडेंट, कैंटीन के एक्सपेंसेस, पेंसिल, इरेजर। बेटे ये जो खर्चे हैं ना, इसके कुछ अलग फीचर्स हैं और इसके कुछ अलग फीचर्स हैं। आप बताइए, आप पाव भाजी खाते हैं, तो पाव भाजी जब आप खाते हैं, इवन आपकी आंखें बंद कर देना और आपका कहूँ मैं मुंह खोल के डालूँ पाव भाजी, और दो तीन के बाद, थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूँ क्या खा रहे हो, तो आप बता दोगे ये पाव भाजी है। आपकी आंखें बंद करके आपके मुंह में इडली और सांभर डाले ना, तो आप आराम से बता दोगे दिस इज इडली सांभर, दिस इज मसाला डोसा, दिस इज वड़ा, दिस इज दिस, बिकॉज यू नो द फीचर्स। आपको टेस्ट पता है, आपके आपके आपकी टंग को टेस्ट मालूम है कि किसका क्या टेस्ट होता है। इसी तरह से बेटे जो खर्चे रेगुलर नेचर के होते हैं ना, उनको हम रेवेन्यू बोलते हैं, और उनका अलग से फीचर्स होते हैं, ठीक है जी। तो दोज आर नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया, इनके फीचर्स क्या होते हैं, रिकरिंग इन नेचर, रिलेटेड विद ऑपरेशंस, मेन ऑब्जेक्ट, आपका जो मेन धंधा है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसको करने समय, उससे रिलेट करते समय जो खर्चे होते हैं, दोज आर नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है जी। अभी बड़े सारे और भी फीचर्स होते हैं, अब जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया। इसके फीचर्स अभी डिस्कस करेंगे, मैंने बड़े प्यार से लिखे हैं क्योंकि ये तो चैप्टर ही हम कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम आराम से समझेंगे। मैं अभी खाली आपको इस समय क्या कर रहा हूँ बेटे, अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिया, आप समझ लो पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी है, रात अभी बाकी है, बाप अभी बाकी है, अभी मैंने ट्रेलर भी नहीं दिया, खाली बताया आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ,
अभी और भी बताना है क्या होगा, ट्रायंगल है क्या है, लव ट्रायंगल है कैसे होगा, सब बातें बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। आप बस एटलीस्ट वो एक फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया स्कूल गोइंग स्टूडेंट का, खर्चों का, रेवेन्यू एक्सपेंस का, बेटे वो थोड़ा सा बना लें, नोटिंग कर लें। खाली नहीं बैठना यार, खाली बैठेंगे तो आप कसम होगी अगर आप खाली बैठे तो यार, कुछ ना कुछ नोट करना है, कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे आप स्कूल गोइंग में, अब आप बड़े हो गए हो क्या, मान लिया आप जॉब कर रहे हो, अब आप सीएमए यूएसए का कोर्स भी कर रहे हो, इसका मतलब आप ऐसे करोगे नहीं बेटे। आइए, एक्सपेंसेस ऑफ मारुति सुजुकी का मैंने नेक्स्ट रियल केस स्टडी ली, और विद हेल्प ऑफ दैट फैक्ट्री प्लांट आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच मारुति सुजुकी इज डूइंग। देन नाउ टेल मी विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर वर्किंग कैपिटल इन नेचर, शॉर्ट टर्म इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर इन नेचर, एंड विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रॉ मटेरियल, ऑल दीज आर बेटे बार 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 रेगुलर रिकरिंग रोज खर्चे होंगे। ये जो सेक्शन ई है ना, हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, सेक्शन ई का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एक्चुअली में नाम होना चाहिए था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं ये जो भी करा रहा हूँ बेटा, ये इस पोर्टली के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करा रहा हूँ। मतलब परचेज ऑफ प्लांट जब मारुति सुजुकी करेगी, या परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग मारुति सुजुकी करेगी। अब ये दीज एक्सपेंसेस आर वाई दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वाई दे आर कैपिटल बजटिंग, वाई दे आर कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे हैव सम फीचर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है तो हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। मैं चल पड़ा आपकी केस स्टडी लेकर। आप एज ए सीएमए यूएसए स्टूडेंट, यू नो यू हैव इन्वेस्टेड योर हार्ड अर्न मनी in examination fees, in registration fees, in IMF, or because you want to attempt the examination, you have given me also some amount because you want the lectures for that, you have purchased Hawk or Glam or wireless study material, along with that your calculator, आप ये बताइए ये expense आप क्या regular करते रहेंगे, क्या रोज करेंगे? नहीं बेटे, अभी भूल के नहीं करोगे आप। एक 25 पैसे ज़्यादा ना दो IMA USA वालों को, $25 भी, $1 $25 तो छोड़ दो, 25 सेंट। इट मीन्स फॉर बिकमिंग सीएमए यूएसए यू हैव टू इनकर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। आपको खर्चे दो तरह के करने पड़ेंगे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंसेस। आई थिंक थोड़ी सी बात आपको माइंड में आ रही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब है क्या। तो धीरे 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 मैं आपको आगे लेके चलूंगा और बिल्कुल वहां रोशनी में ले जाऊंगा। अस्मो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हे भगवान मुझे वहाँ ले चल जहाँ रोशनी है, जहाँ कैपिटल बजटिंग की रोशनी है, जहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की रोशनी है, कि 10% मार्क्स मैं सीएमए यूएसए पार्ट टू के इजीली ग्रैब कर लूँ, बिकॉज आई वांट टू गेट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। तो आइए उस 10% के लिए, सीएमए यूएसए के लिए मैं आज आपको वैसे तो बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा लिखना है। हाँ बेटे, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, अगर आप थोड़ा सा करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए, कोई बात नहीं, दे दो जी, ये लो, ऊपर लिखो बेटा, ऊपर लिखो। अभी हम जूस नोट्स भी देखेंगे, अभी हम वायले ग्लैम हॉक सब देखेंगे। मैंने कहा पहले मेरे लेक्चर्स दो, पहले दो तीन लेक्चर्स मेरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप डांस करेंगे। आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। पहली फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना है, क्योंकि आप में से बड़े सारे बच्चों ने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे ना, या तो फिर वो लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक मिनट की बात है, आप लिख लें स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां लिखें जी स्ट्रैटेजिक, गलती से रह गया, स्ट्रैटेजिक यहां लिखें स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये हमने देखा था, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डिसीजंस, वी हैव सीन द फ्लो चार्ट, आल्सो आई हैव शोन यू द फ्लो चार्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑफ टू टाइप्स, वी हैव जस्ट सीन, यू नो, आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स फॉर यू, आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटीज, कि आपको किसी भी तरह से समझ आए. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑल्सो नेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और जस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो सीएमए यूएसए ने यूज किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. अब बेटे इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिसीजंस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस? हाउ वी विल बी अवेयर ऑफ दैट दीज डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? या दीज डिसीजंस आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, या दीज डिसीजंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? बेटे बड़े सारे फीचर्स होते हैं. आप पेस्ट्री खाते हैं, पेस्ट्री, पाइन एप्पल पेस्ट्री, तो आपके आपको मालूम होगा पाइन एप्पल का टुकड़ा होगा, फिर क्रीम होगी, फिर जो भी कुछ होगा, जैसा भी जो भी रॉ मटेरियल होगा, यू नो दैट. आप मुंबई में खाएं, आप यूएसए में खाएं, आप दिल्ली में खाएं, आप झुमरी तलैया में खाएं, पाइन एप्पल टेस्ट भी वही होगी, टेस्ट वही होने वाला है. छोले भटूरे, दे हैव दम फीचर्स, अचार, चटनी, हरी मिर्च, छोले भटूरे, गरम गरम, मोटे मोटे. सिमिलरली, बिकॉज यू नो द फीचर, सिमिलरली यू शुड नो दैट इन ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन ऑल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. अज्यूम कीजिए जो मारुति सुजुकी ने एक प्लांट परचेज किया था, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड, बेटे इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी. जो भी जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं उसमें बड़े सारे पैसे लग जाते हैं, ह्यूज सम ऑफ मनी. एक बात को ये समझना है बेटे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं ऐसे डिसीजंस में, इसलिए हम ये कहते हैं कि दोज डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. आपको जो भी एग्जांपल्स दिए, आपके सीएमए यूएसए का एग्जांपल दिया, उसके बाद मैंने मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया, एक स्टूडेंट का, स्कूल गोइंग स्टूडेंट का दिया, आप जस्ट हैव ए लुक दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस, जो भी एग्जांपल्स, जो भी एक्सपेंस मैंने कैपिटल में लिखे, लॉन्ग टर्म में लिखे, उनमें ये फीचर्स हैं या नहीं. और भी होंगे बेटे बड़े सारे, मैं तो कहता हूँ जी बड़े सारे फीचर्स होंगे, बट मैंने अभी तीन ही दिए कि आइडिया लग जाए आपको. फर्स्ट फीचर लिखेंगे, इट रिक्वायर्स ह्यूज सम ऑफ मनी, बड़े सारे पैसे लगते हैं. रतन टाटा बेटे अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, बारिश आ रही थी, मुंबई की रेड लाइट में खड़े थे, ट्रैफिक रेड लाइट में, और एक फैमिली एक स्कूटर में जा रही थी, चार मेंबर्स, बेटा आगे खड़ा था, बेटी मम्मी के पास बैठी थी, और पिताजी स्कूटर चला रहे थे, और रतन टाटा जी अपनी गाड़ी से उस फैमिली को देख रहे थे. बारिश हो रही है इतनी तेज, ये चार लोग एक ही स्कूटर में किस तरह से जा रहे हैं, और उनके मन में अचानक आया कि अगर इनको स्कूटर स्लिप हो गया तो क्या होगा. वो बेटे उस यूट्यूब की वीडियो में बताया गया कि उनका स्कूटर स्लिप ही हो गया. तो उस दिन, उस मोमेंट में रतन टाटा ने एक डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास वालों के लिए होगी, और वो अफोर्ड कर पाएंगे, अपनी लाइफ तो सिक्योर कर लेंगे यार, बट उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए रतन टाटा साहब को बड़े सारे पैसे लगाने पड़े. अभी हम देखेंगे, पहले वो सिंगूर में गए, फिर गुजरात में गए, फिर फैक्ट्री खरीदी, फिर मशीनरीज, फिर उसका मॉडल, बड़े सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए. इट मींस ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दे रिक्वायर ह्यूज सम ऑफ मनी. लिखिए बेटा, लिखना है. आपको मालूम है उन्होंने पहले सिंगूर में अपना प्लांट स्टार्ट किया था रतन टाटा साहब ने, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, और दो मिनट के अंदर वीडियो दिखाने वाला हूं. और ममता बनर्जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी, अभी भी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनी है, बट ड्यू टू पॉलिटिक्स उन्होंने सिंगूर का वो प्लांट, उन्होंने जो लैंड लिया था किसानों से, वापस करा दिया. अब ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, क्या लगता है रतन टाटा हैज टू शट डाउन दैट नैनो प्लांट? नो. उस समय नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के,
तो बेटे उन्होंने सिंगूर से लेकर यहाँ आ गए, गुजरात में अपना प्लांट लेकर आ गए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बेटे रिवर्स नहीं कर सकते, आपने रजिस्ट्रेशन फीस आईएमए सीएमए यूएसए पार्ट टू की भर दी, पार्ट वन की फिलअप कर दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैसे दे दिए, अब आप रिवर्स करेंगे क्या? आप बच्चे हैं, इतने सारे पैसे आप खराब करेंगे? बेटे इफ यू रिवर्स इट, इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। कल आप ही के बच्चे पूछेंगे आपसे कि पापा मम्मी आपने सीएमए यूएसए स्टार्ट किया था, क्या हुआ नहीं? इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। तो बेटा तीन फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने तीन लिखे, और भी होंगे, लेकिन इन तीन फीचर से आप आराम से पता लगा लोगे कि वेदर दैट डिसीजन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और नॉट। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप लिखें। हाँ सर लिख लिया, आइए आइए आइए। तो मैंने लिखा दोज डिसीजंस विच कंटेन्स फॉलोइंग फीचर्स आर नेम्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। आराम से, ठीक है जी। आइए बेटे, बड़ी मेहनत की है बेटे, सच में कह रहा हूँ आपको, हैंड रिटन स्लाइड्स लिखी, पीपीटीज बनाई, जूस नोट्स दिए, सारे स्टडी मटेरियल्स वायले ग्लैम हॉक को पढ़ा, बाकी लोगों के लेक्चर्स देखे यूट्यूब में। उसके बाद मैंने कहा मैं झंडा गाड़ूंगा अपने हिंदुस्तान का। बेटे कुछ पीरियड के बाद इंडियन कोर्सेज लोग करेंगे, अभी यूएसए के कर रहे हैं ना, बिकॉज द फाइनेंशियल सिस्टम। बेटे यूएसए हमारे से टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है 200-300 साल, फाइनेंशियल सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया डॉलर्स यूज करती है, बिकॉज दे हैव द स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम। इसलिए हमें यूएसए के कोर्सेज करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं बेटे, आइए एग्जाम्पल्स कंसेप्ट टू में लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन सभी लिखेंगे, कसम होगी कमर सीधी करके बैठेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, अलग से रजिस्टर रखेंगे, इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरियसली यू हैव टू, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मन से करना यार। मैंने आपको आज एक वो बताया था, दोज हु वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग दे कैन सिलेक्ट, दे कैन फाइंड आउट अ सॉन्ग, जिनको करना है वो टाइम निकाल लेंगे, कर लेंगे, समझदारी करेंगे। आगे आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लिख लें, हम इन सबके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ग्लेम के, वायले के, हॉक के। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है नया प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको नैनो प्लांट, नैनो प्रोजेक्ट की बात की, तो मैं कहूँगा रतन टाटा ने, टाटा मोटर्स ने एक नई कार का इनोवेशन किया, नई थॉट को रखा और उस थॉट का बोला आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। एमेजोन नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एयरटेल आजकल फाइबर की लाइनें डाल रहा है, रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी, दे हैव एंटर्ड इनटू अ टेलीकम्युनिकेशन, इट मींस दे हैव सेट अप अ न्यू बिजनेस, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो लिखे फर्स्ट एक्सपेंशन, दूसरा एग्जाम्पल। बट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे रिलायंस जियो की बात करें, ठीक है, रिलायंस जियो पहले मुंबई में था, टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने फाइबर लाइंस बिछाई, उसके बाद दिल्ली में आ गए फाइबर के लिए, फिर उसके बाद यूपी चले गए फाइबर के लिए, फिर उसके बाद वहां चले गए। इट मींस दे आर डूइंग एक्सपेंशन, दे आर डूइंग द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो बेटे एक्सपेंशन का मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस बट इन न्यू मार्केट्स। लिखना बेटे डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम पहले सीएस के लेक्चर्स देते थे, सीए के देते थे, फिर हमने सीपीए यूएसए देने स्टार्ट किए, फिर सीएफए यूएसए किए, फिर एफआरएन किए, फिर सीएमए यूएसए किए, फिर हमने एसीसीए किए, फिर आईएफआरएस किए। इट मीन्स हमने क्या किया, अलग 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 तरह के प्रोडक्ट्स को पढ़ा, नोट्स बनाए, लेक्चर्स डिलीवर किए और पूरे वर्ल्ड में बेचे। बेटे मैं ब्लेंडेड लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। हमारे लेक्चर्स बांग्लादेश में, हमारे लेक्चर्स श्रीलंका में, हमारे लेक्चर्स मॉरिशियस में, हमारे लेक्चर मस्कट में, बहरीन में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बेटे बिक रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर चेक करें कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से। बेटे दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस ब्लेंडेड लैंग्वेज, यू नो,
दे कैन दे आर बाइंग इट। इवन कितने सारे बच्चे हमारे फिनलैंड गए, वहां से वो ले रहे हैं, फिनलैंड स्कॉटलैंड, आप यूट्यूब पे देखिए, वहां से उन्होंने लिखा है कि हम इस लोकेशन में। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सेम मार्केट, ऐसा भी कह सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट। चलिए जी, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। बेटा एक बात कहनी है, रिप्लेसमेंट मतलब आप ये समझ लीजिए कि सीएम में यूएसए पार्ट टू में रिप्लेसमेंट डिसीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी कि अर्जुन ये जो आत्मा है ना, ये जो सोल है ना, पुरानी बॉडीज से रिप्लेस करके नई बॉडीज में चली जाती है। एक जमाना था जब हम सबके घरों में वॉशिंग मशीन होती थी बेटे, वो बड़ी बड़ी लोहे की एक मशीन होती थी, उसमें पानी डालते थे, सर्फ डालते थे, फिर वो डालते थे, करंट भी लगता था कई बार। धीरे 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 आपने देखा इनोवेशन आई, तो कुछ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, जिसमें ऑटोमेटिकली सेमी ऑटोमेटिकली में कुछ पहले के कंपेरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल रहा। धीरे धीरे और इनोवेशन आई, तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपने अपने घर में ही रिप्लेस किया पुराने एसेट को नए एसेट से, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई क्रिएटिविटी आ गई, नए फीचर्स आ गए। आप अपना मोबाइल फोन को रिप्लेस करते हो, जबकि वो चल रहा है, ठीक है, अभी भी चलेगा। यू रिप्लेस इट, वाई? यू रिप्लेस योर कंपनी, यू रिप्लेस योर एम्प्लॉयर, यू रिप्लेस योर शर्ट, यू रिप्लेस योर गर्लफ्रेंड। आप हर चीज तो बदलते जा रहे हो। आप मुझे बताइए, एक जमाना था जब टायर बनाती थी अपोलो टायर्स, तो उसमें ट्यूबें डलती थी, आजकल ट्यूबलेस टायर्स आ गए। पहले नोकिया वाले बटन दबाकर काम होता था, आजकल टच स्क्रीन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, आईफोन आ गया, ये आ गया। द पॉइंट इज द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली कि बेटा सब बदल जाएगा, सब बदलता ही जा रहा है, तू घबरा मत, तू अपना कर्म कर बस। तो रिप्लेसमेंट डिसीजंस वी हैव टू सी फ्रॉम द, बिकॉज वी वांट टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ मारुति सुजुकी, ऑफ पतंजलि, ऑफ फेविकोल पिडिलाइट, ऑफ नागार्जुना सीमेंट, ऑफ एसीसी सीमेंट, ऑफ, बेटे आई हैव टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो उस केस में मेरी कंपनी को कई बार रिप्लेसमेंट करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। पुरानी मशीन हटाओ, नहीं ले आओ, पुराने डेस्कटॉप हटाओ, नए लैपटॉप लेकर आ जाओ। इट मीन्स ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेज न्यू टेक्नोलॉजी, एंड दैट डिसीजन इज नेम्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजन। इसको डिस्कस करेंगे बेटे। ये है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद कराना है, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। वैसे ये कॉरपोरेट फाइनेंस सेक्शन बी के यूनिट 6 में दिया हुआ है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बट मैं इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म होने के बाद कराऊंगा, बिकॉज मर्जर करना, मर्जर मींस विवाह होना, मर्ज कर रहे हैं हम, दो एंटिटीज को मिला रहे हैं और एक एंटिटी बन रही है। बेटे एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं, तो उनको 11 बना रहे हैं। इट मींस एक बड़ी मछली छोटी मछली को खरीद रही है, इट मींस मर्ज हो रहा है, इट मींस एब्जॉर्प्शन की बातें करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल बाइटिंग डिसीजन। वी विल डिस्कस सो मेनी केस स्टडीज, लीज वर्सेज बाइंग डिसीजन, बेटे ये सारा हम डिस्कस करेंगे, एंड ऑल दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद लॉजिक्स। तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की दैट वट आई मीन बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये देखिए जी टाटा, ये देखिए कैपिटल एग्जांपल्स ऑफ टाटा, कैपिटल बाइटिंग डिसीजन, TCS, टाटा, ये सब ऑल दीज न्यू एंटिटीज, न्यू वर्क, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कंसेप्ट्स, दे रिक्वायर ह्यूज सम ऑफ मनी, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे अफेक्ट द मार्केट प्राइस, यू कैन नॉट रिवर्स इट। आप बताइए, हमारी इंडिया में मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैं USA की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की बात भी नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं आई विल बी टॉकिंग फॉर इंडिया। बेटे मैरिज एक बार हो जाती है ना, तो हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम उसको रिवर्स नहीं करते, दैट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन। अभी एक्सेप्शन थोड़ी बहुत छोड़ दीजिए,
क्योंकि अगर आपने रिवर्स कर दिया, जैसे करिश्मा कपूर की अगर आप देखें तो कितने सारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोगों की मैरिजेस डाइवोर्स हो गए हैं, बट इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस. ऋतिक रोशन के डाइवोर्स के बाद उसकी मार्केट प्राइस में इफेक्ट हुआ. इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी, करीना कपूर, ह्यूज सम ऑफ मनी, इरिवर्सिबल डिसीजन. ठीक है जी, अब आपको बात समझ आ रही है कि मैं एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, मैं भगोड़ा की बात करूंगा आज. विजय माल्या भगोड़ा, दे हैव स्टार्टेड. बेटे वो पहले बियर बनाते थे, वो अच्छा काम करते थे यूबीएच में, बट पता नहीं क्या आया अचानक उसके दिमाग में विजय माल्या के, और उसने किंग फिशर एयरलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आज वो खत्म है, भागा हुआ है. बट द पॉइंट इज इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी नाउ बिकॉज इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस. आप देखिए उनका मार्केट प्राइस इफेक्ट हो गया, खत्म हो गया सब कुछ. सो आई थिंक आई वॉन्ट टू, आई हैव गिवन अ ब्रीफ आइडिया इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू वट आई मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ठीक है जी, तो आपको मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक वीडियो दिखा दूँ. तो ये तो लिख ही चुके हैं फीचर्स, अभी लिखा ना आपने पीपीटी में, देखो इरिवर्सिबल, ह्यूज सम ऑफ मनी, दिस विल अफेक्ट एमपीएस, लिख चुके हैं. और एग्जांपल्स भी अभी भी लिखे हैं आपने, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, लीज वर्सेस बाय लिखे हैं ना बेटा, है ना. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अभी हमने किया ना, मर्जर, एमलगमेशन, डी मर्जर, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, ऑल दैट विल बी कवर्ड इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. ठीक है जी, अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए. आज के इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया दैट व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पहले हम एक बार वीडियो में आ जाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे. सुनिए, कब आएगी? अभी आ जाएगी. आ गई. उबड़ खाबड़ है. सलाम साहब, बड़ी है. बेटा नैनो को स्टार्ट करना, एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो आज के इस लेक्चर में हमने खाली डिस्टिंग्विश सीखा है दैट, और मीनिंग सीखा है, फीचर सीखे हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पेपर भरा पड़ा बेटे, अभी हम डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर से ही आप 10-12 क्वेश्चंस हॉक के, ग्लैम के, वायले के, वर्कबुक के कर डालोगे, लेकिन अभी करने नहीं है. पहले आप देखिए आगे. A huge setback for Mamata Banerjee after the Calcutta High. ये देखिए मैंने लिखा, सिंगूर ब्लो टू ममता. इट मीन्स रतन टाटा ने जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया नैनो का, तो सिंगूर में स्टार्ट किया. अच्छा, सिंगूर में क्यों किया वो नेक्स्ट लेक्चर की बारी है, कि लोकेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे. बट द पॉइंट इज, अपोज होने के बाद भी, हाई कोर्ट से केस हारने के बाद भी, उनको वो रिवर्स नहीं कर सकते थे, दे हैव स्टार्टेड इन गुजरात. तो इसलिए एक हल्का सा वीडियो. रूल दैट अ कंट्रोवर्शियल सिंगूर एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द एक्ट वाज मेंट टू रिटर्न द लेफ्ट. अ ह्यूज ब्लो फॉर ममता बनर्जी इन हर वॉर विद द टाटास. The Calcutta High Court has ruled that the Shingur Act, the first law enacted by the Trinamool after it came to power last year, is unconstitutional. Progressive nation, ready to shape the future. ये बेटे टाटा ग्रुप की बातें कर रहे हैं कि जब भी मैंने दिखाया था टाटा ने कितने सारे different businesses start किए, all are capital bearing decisions. But propelling us into this exciting future is a many splendid park. Nagpur in 1874 was based on first luxury hotel. Between 1938 and 1992, GRD Tata took the Tata Group forward, weathering of Tata Aviation Service.
It is presently the largest producer of factory plant. जमशेद जी टाटा उन्होंने स्टार्ट किया सल्तनत और आज रतन टाटा साहब कितना बढ़िया सब कुछ मैनेज कर रहे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑल दीज आर कैपिटल बिल्डिंग एश इन द कंट्री ऑल राउंड ग्लोबल. तो आप बात को समझ पा रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है. आइए जी, मैं अब आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आने वाले दिनों में हमने अभी लेक्चर 2 भी बड़े ध्यान से आपने अटेंड करना है, ठीक है ना. पहले 2-3 लेक्चर ध्यान से करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा अपने आप ही यार, क्योंकि मैंने उसमें बड़ी सारी बातें आपको लॉजिकली बतानी है. अब देखो जी, हमने इस तरह के जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं विच यू हैव सीन इन सेक्शन बी ऑल्सो. और इन सभी जूस नोट्स में जो आपके CMA USA पार्ट 2 के जितने भी स्टडी टेक्स्ट हैं आई हैव सीन दैट, और मैंने उनके बेसिस में कंसेप्ट बनाए हैं. तो बेटे इन कंसेप्ट के बेसिस पर डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट, तो आप ग्लैम से कर रहे हैं, वायलेस से कर रहे हैं, हॉक से कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. भूपेश आनंद है, मैंने तीनों को पढ़ लिया और उनके कंसेप्ट बनाए. प्रॉब्लम्स ऑफ रैंक, प्रोसेस ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो, टर्म्स यूज इन कैपिटल बजटिंग, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड, सब करेंगे बेटे, ठीक है जी. बस आप ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से करना है आपने, और कुछ नहीं. ये हमने इसके फ्लो चार्ट बनाए जो आज मैंने नहीं बताए. जनरली जूस नोट्स हम क्लास के एंड में देखते हैं या रिविजनरी लेक्चर्स में देखते हैं, तब देखेंगे. सब चीज़ें मैंने आपको जूस नोट्स में भी दी हैं. इसका मतलब मैंने जूस नोट्स दिए, PPTs दी, हैंड रिटन स्लाइड्स दी, वीडियोस दिखाए, ड्रामे किए, फिर भी नहीं समझ आया तो बेटे फिर तो कोई मैं क्या बोलूँ. अब मैंने इन सभी को ये देखिए, तो सभी, ये हॉक है, ये वो ग्लैम था, ये वायले है, मैंने इन सभी को पढ़ लिया है, सब मेरे पास है. और आपको इन सभी का हम बादाम रोगन देने वाले हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. मिलते हैं लेक्चर 2 में. अभी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाकी है. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है.